हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन आवर न्यू एकेडमिक ईयर 2021-22। लास्ट ईयर मैथ्स पढ़ा था मुझसे ही आप लोगों ने। नाउ दिस ईयर आल्सो आई एम टीच यू मैथ्स। ओके, मैथ्स में फर्स्ट लेसन हमारा इंटीजर है। ओके, इंटीजर इट मींस आपने पहले नेचुरल नंबर्स स्टडी किया हुआ है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, फिफ्थ सिक्स में ये नंबर्स हम लोगों ने स्टडी किया है। इंटीजर भी वैसे तो आप लोगों को सिक्स में आया हुआ है, फिर से हम उसका रिविजन करेंगे। इंटीजर, इंटीजर मीन्स क्या होगा? इंटीजर जो नंबर्स होते हैं उसमें हम बोलेंगे 0, 1, 2, 3 एंड -1, -2, -3। दिस नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। ओके, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, इंक्लूडिंग जीरो, इज कॉल्ड इंटीजर। अंडरस्टैंड इंटीजर मीन्स? इंटीजर में जैसे जैसे हम सपोज ये एक नंबर नंबर लाइन के ऊपर हमने ये नंबर्स डाले हैं, ओके, तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट, ये हमारा राइट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ओके, तो राइट से जैसे जैसे हम लेफ्ट की ओर जाएंगे नंबर्स स्मॉलर होते जाएंगे। ओके, जैसे -1, -2 एंड -1, -1, -2 से राइट हैंड साइड है, तो जैसे आप राइट हैंड साइड जाओगे नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, और जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे नंबर डिक्रीज होते जाएंगे। इट मीन्स -2 इज लेस देन -1। अंडरस्टैंड? सेम थिंग, -3 इज लेस देन -2। अंडरस्टैंड? राइट हैंड साइड आपको याद रखना हमेशा कि राइट हैंड साइड जाओगे तो प्लस होंगे नंबर, इट मीन्स इंक्रीज होंगे। क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। एंड लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो नंबर्स डिक्रीज होंगे। ओके, अंडरस्टैंड? तो यही चीज आपको प्लस माइनस में करनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी इसी टाइप से होंगे। यहाँ नंबर जितना माइनस का नंबर है 11 है और यहाँ पर सपोज 1 है, सो इट इज ऑल्सो लेस देन ऑफ 11, -11। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है। अंडरस्टैंड? ये चीज सभी को समझ में आ जाएगी तो हम आगे एक्सरसाइज करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इजी होगी। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर, हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ये नंबर लाइन है हमारी, यहाँ पर इंटीजर्स दिए हुए हैं हमको, 0 माइनस के इंटीजर्स हैं और प्लस के इंटीजर्स। ओके, अब ये नंबर लाइन हमको देखकर क्वेश्चन के आंसर्स हमको देना है यहाँ। ओके, तो क्वेश्चन ए इज ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। अब जहां जहां पर मार्किंग किया हुआ है, ये मार्क किया हुआ है, उसका टेम्परेचर हमको नोट डाउन करना है। ओके, अब फर्स्ट श्रीनगर देखें हम, किस पे मार्किंग है? श्रीनगर। श्रीनगर में कितना टेम्परेचर होगा? ये 0 है, 0 के बाद अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें -1, -2, -3 एंड -4 देन -5, तो श्रीनगर में कितना टेम्परेचर है? -2। अंडरस्टैंड? सेम थिंग, लाहुल स्पीति में कितना टेम्परेचर है? यहाँ से अगर आगे काउंटिंग करेंगे -5, -6, -7 एंड -8, तो यहाँ पर आंसर होगा लाहुल स्पीति इज -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, सेम शिमला में भी इसी टाइप से निकालेंगे हम 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि
14 डिग्री सेल्सियस. देन बेंगलुरु temperature on this day.
ट्यूसडे को -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था एंड वेडनेसडे इट रोज 4 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स रोज बड़ा गेन हुआ. ओके 4 डिग्री सेल्सियस गेन हुआ. सो यहाँ पर कितना हो गया टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस. -7 बिगर है इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा. सो ये हुआ -3 डिग्री सेल्सियस. ओके सेम इसी टाइप से है क्वेश्चन नंबर 4. अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 5000 मीटर अबाउ द सी लेवल. यहाँ पर आपको ये दिख रहा है पिक्चर. ओके यहाँ पर ये सी लेवल है. सी लेवल से 5000 मीटर अबाउ है एरोप्लेन एंड सबमरीन है जो बिलो है 1200 मीटर. ओके अबाउ एंड बिलो यू अंडरस्टैंड. अबाउ मीन्स ऊपर है सी लेवल के ऊपर और सबमरीन किसे कहते हैं आपको पता है ना जो अंडर वाटर चलती है ना. तो यहाँ पर इसमें निकालना है हमको इफ इट इज एग्जैक्टली अबाउट द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम. व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इट मीन्स एरोप्लेन एंड सबमरीन के बीच का डिस्टेंस कितना है. हाउ मच डिस्टेंस इन बिटवीन एरोप्लेन एंड सबमरीन. ओके तो यहाँ पर हमको करना होगा 5000 मीटर -1200 मीटर. ओके दोनों का सिर्फ हमको माइनस करना है. 0 0 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा. 4 में से 1 माइनस किया 3 होगा. ओके कितना हो गया ये. सॉरी मैंने क्या करना था यहाँ पर हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है. तो यहाँ पर हमारा माइनस नहीं होगा ये होगा प्लस. अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम. डिफरेंस नहीं निकालना हमको उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो प्लस करना होगा हमको यहाँ पर ये हुआ 62 मीटर. अंडरस्टैंड क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है और ध्यान में रखना है हमको कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं हमको क्वेश्चन क्या है. ओके सेम क्वेश्चन नंबर 5 इज मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे. इफ विड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड. फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉ. अब यहाँ पर डिपॉजिट का मीनिंग होता है बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हो. इट मीन्स आपने बैंक में पैसा डाला है वो आपका पॉजिटिव साइन है. ओके आपने पैसा ऐड किया इट मीन्स इट इज पॉजिटिव. पॉजिटिव मीन्स प्लस 2000. डिपॉजिट वर्ड है डिपॉजिट इट मीन्स आपने पैसा डाला है और दूसरा वर्ड है विड्रॉल. विड्रॉल इट मीन्स आपने पैसा वहाँ से निकाला है बैंक में से पैसा निकाला है. अब आपके पास टोटल अमाउंट आपने 2000 रुपीज़ उसमें बैंक में डाला था उसमें से आपने 1642 रुपीज़ आपने विड्रॉ किया इट मीन्स वहाँ से निकाल लिया नेक्स्ट डे. तो आपके पास अकाउंट में बैलेंस कितना रहा क्या करेंगे माइनस. ओके तो माइनस करने में यहाँ पर 10 में से आपको 2 माइनस करना है ये हो गया आपका 9. दिस इज 9 एंड ये 1. 10 माइनस 2 इज 8. 9 माइनस 4 इज 5. 9 माइनस 6 इज 3 एंड 1 माइनस 1 इज 0. तो आंसर इज 358 रुपीज. कितना बैलेंस रहा मोहन के पास 358 रुपीज. नंबर्स के पहले अगर जीरो आता है तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है लेकिन ये जीरो अगर पीछे चला जाए तो ये 300 से 3000 बन जाएगा. अंडरस्टैंड नंबर्स यू ऑल नो अबाउट है ना.
तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सम्स किए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्वेश्चन और सम्स के साथ आपको ये CW में कॉपी करना है। देन इसके साथ जो भी मैं आपको PDF सेंड करूँगी उसका भी सॉल्यूशन आपको CW एंड HW दोनों में करना है। ओके बाय।